हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं पुराना वाला वीज़ा, जो जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आता है, तो ये वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि कुवैत का जो वीज़ा ऐप है ना, उसमें आराम से चेक हो जाता है, लेकिन पुराना वाला वीज़ा जो है चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैं बनाया हूँ, लेकिन अभी उसमें इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मैंने दिखाया था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी दोस्तों सेम चेक किया जाता है। कुवैत का जो कुवैत वीज़ा ऐप है, वो कुवैत गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है अपना वीज़ा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी भाई मतलब कि नए हैं, जो ये सोच रहे हैं यार कि मैं अपना वीज़ा कैसे चेक करूँ, तो वो ये वीडियो देख कर आसानी से अपना कुवैत का वीज़ा चेक कर सकते हैं। मैं दोस्तों कैसा है कि थोड़ा बिजी रहता हूँ, इस वजह से मैं वीडियो अभी बहुत कम डाल पा रहा हूँ। मुझे काफी इस चीज का दुख है, लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि यार देखो YouTube कैसा है कि फ्री टाइम के लिए, ठीक ना। तो बाकी टाइम ऐसा जरूरी नहीं कि मैं YouTube पे ही मतलब हमेशा के लिए रहूँ, क्योंकि YouTube से क्या है दोस्तों कि अपना जो मतलब कि काम है, काम से ही अपना सब कुछ चलने वाला है। तो YouTube पे मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, तो इस वजह से मैं ये वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो ये चीज सोचते हैं कि यार कुवैत का वीजा चेक कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या है, गूगल पे वो वीजा नंबर या मोफा नंबर जिसको बोलते हैं, वो डाल के चेक करते हैं और अपूर्वल बता देता था, बोलते सही है, लेकिन वो तरीका अभी पुराना हो गया, वो पहले वैसा चेक होता था, अभी तरीका अलग है। इसी कुवैत वीजा ऐप में दोनों आपका वीजा चेक हो जाएगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, या आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है पुराना वाला ही वीजा चेक करके बता रहा हूँ। ध्यान से ये वीडियो देखिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये वीजा किस तरह से चेक करते हैं, और वो वीजा भी सेम सेम, वो वीजे में क्या है दोस्तों कि मोफा वीजा नंबर और जो MOI नंबर होता है वो साफ साफ लिखा होता है, तो वहां पे दिख जाता है। लेकिन ये पुराने वाले वीजे में क्या है, MOI नंबर और वीजा नंबर कंफर्म करने में दिक्कत होती है। तो मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि इसमें MOI नंबर कौन सा है और इसमें वीजा नंबर कौन सा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चल के आपको जो है दिखा रहा हूँ, ताकि आप सही से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप देखने के बाद ये चीजें अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि वीजा चेक कैसे होता है। किसी भी तरह का अभी वीजा दोस्तों इसी ऐप से चेक होता है, जब तक इसमें आपका पूरा डिटेल्स बताए ना, तब तक आप किसी का भरोसा मत करो कि आपका वीजा सही है, क्योंकि यहीं से होता। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि यार अभी नहीं बता रहा, स्टम्पिंग हो जाएगा तब बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वीजा एक बार आपका निकल गया, आप इस ऐप में चेक करेंगे, इस ऐप में बता दिया तो आपका वीजा सही है, अगर इस ऐप में नहीं बताया तो आपका वीजा सही नहीं है। तो चलो मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ले चल के आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ सब कुछ कि कैसे जो है वीजा चेक किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करके और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपका सही है। तो चलिए ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो भाई ये वीज़ा मैंने बीच में थोड़ा हाइड किया हुआ है, कुछ इसलिए क्योंकि YouTube का एक कम्युनिटी गाइडलाइन है कि मैं जो है इसमें वीज़ा किसी का नहीं दिखा सकता हूँ, तो बीच में ब्लर मैंने किया हुआ इसलिए, क्योंकि जिसका वीज़ा है वो जो है मतलब कि ये दिक्कत ना करे कम्युनिटी गाइडलाइन। तो सबसे पहले आपको बता दूँ मैं कि आपका MOI रेफरेंस नंबर कौन सा है, जो आपका नाम है, आपका नाम के नीचे जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उसके नीचे जो नंबर है डेट ऑफ बर्थ के, वो MOI नंबर है, मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा वीज़ा नंबर जो है, वीज़ा नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पे है, और वीज़ा नंबर दोस्तों 9 अंक का होता है, ठीक है। बहुत सारे भाई 8 अंक का डालते हैं तो कुवैत वीज़ा एप्लीकेशन में इनवैलिड लिख के आता है, तो वीज़ा नंबर जो है 9 नंबर का होता है, वो ये है। तो अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, यही इसी वीजे का वीज़ा नंबर मोफा MOI रेफरेंस नंबर डाल के आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से जो है चेक करेंगे, और ध्यान से नंबर देख लीजिएगा, ऐसा ना आप लोग सोचिए कि मैं दूसरा डाल के जो है दिखाया हूँ, मैं यही नंबर आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को फ्यूज़ करके देख लीजिएगा, जो नंबर मैंने डाला है यही नंबर डाल के मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और आपको वीज़ा चेक करके दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से वीज़ा जो है चेक किया जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, कुवैत वीज़ा एप्लीकेशन ओपन किया, यहाँ पे वीज़ा नंबर MOIN नंबर पासपोर्ट नंबर डाला और देखो क्लिक किया और यहाँ पे देखो बताने लगा। तो इस तरह से जो है चेक किया जाता है। मैंने पासपोर्ट नंबर दोस्तों हाइड इसलिए किया हुआ है क्योंकि किसी का पासपोर्ट नंबर मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो पासपोर्ट नंबर इसलिए मैंने हाइड किया। दोबारा चेक करके एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो ये है, इस तरह से चेक करना है। और इस तरह से वीडियो देख कर बहुत ही आसानी से आप भी वीज़ा चेक कर सकते हैं अपना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हो चाहे आपका ये वाला वीज़ा हो, तो आसानी से चेक कर
कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।